हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टे फिट इन द लॉकडाउन पीरियड। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब से लॉकडाउन लगा है, हमारा बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होते जा रहा है एंड हम फिट नहीं हैं भाई पहले के जैसे, क्योंकि अब कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं, घर में बैठ रहे हैं, खा रहे हैं। और कुछ लोग तो हैं जो दोस्तों वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनका तो यही हो रहा है भाई, बिल्कुल हालत ऐसा हो गया कि भाई हम उठ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं एंड कुछ नहीं, काम भी कर रहे हैं तो घर में बैठे बैठे लेटे लेटे काम कर रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो इससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो आज एक ऐसा रूटीन बताने वाला हूँ आप सभी को, जिस रूटीन को अगर आप फॉलो करते हो तो पहली बात तो ये जो इतना सारा ड्रामा हो रहा है, यानी कि हेल्थ के इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इतना सारा जो हेल्थ इशू हो रहा है आपको वो बिल्कुल भी नहीं होगा। साथ में वज़न भी अगर बढ़ गया तो वज़न भी कम होगा, और अगर इस रूटीन को आप आगे तक फॉलो करते हो तो भाई बहुत सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, रूटीन कुछ ऐसा है, दोस्तों सबसे पहले तो आपको मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठना है भाई। हाँ भाई, आप रात को देर रात तक फ़ोन मत चलाएं, फ़ोन चलाओगे ज़्यादा रात तक तो भाई वही इशू होने वाला है आपके साथ, और क्या है, सुबह लेट में उठोगे। तो सुबह आप ये कोशिश करो कि 6 से 7 बजे तक आप उठ जाओ। उठने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उठने के बाद सबसे पहले तो आपको 2 से 3 ग्लास जो है वो वार्म वाटर पीना है, एम्प्टी स्टमक, ये याद रखिए, गुनगुना पानी पीजिए, एम्प्टी स्टमक 2 से 3 ग्लास। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो पेट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। बहुत बेनिफिट है दोस्तों, अगर आप इंटरनेट में जाके सर्च करेंगे कि जो सुबह जो है एम्प्टी स्टमक में गुनगुना पानी पीते हैं तो क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, तो आपको बहुत सारे चीज़ें पता लगेंगी। अब जो दूसरा चीज़ आपको करना है वो ये करना है कि दोस्तों आपको फ्रेशन अप होना है। फ्रेशन अप यानी कि आपको टॉयलेट जाना है, और पता है आगे आपको क्या करना है, समझ रहे हो आप। तीसरा जो सबसे बड़ा चीज़ करना है वो है आपको एक्सरसाइज करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज और योगा आप दोनों चीज़ कर सकते हो। अब देखो भाई, यहाँ पे कोई इक्विपमेंट है तो आप इक्विपमेंट का भी यूज़ कर लो, और इक्विपमेंट अगर नहीं है, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन के समय में जिम क्लोज है तो इक्विपमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसके लिए मैंने नो इक्विपमेंट वाले आपको 5 एक्सरसाइज बताए हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आप अपने हिसाब से कीजिए, यानी कि आपके बॉडी के लिमिट के हिसाब से कीजिए। जहाँ आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते तो आप मत कीजिए, वहाँ पे आप छोड़ दीजिए। बट एक चीज़ याद रखिए कि आपको इसे बढ़ाते जाना है। दोस्तों, सबसे पहला एक्सरसाइज जो है वो है प्लैंक। प्लैंक ज़रूर कीजिए, प्लैंक बहुत बेनिफिशियल है, प्लैंक बहुत ही नॉर्मल एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकता है। दूसरा एक्सरसाइज जो है दोस्तों वो है पुशअप्स। पुशअप्स कीजिए दोस्तों, पुशअप्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है आपके बॉडी को। तीसरा जो दोस्तों वो है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स मारना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, स्क्वाट्स आपके लेग्स को बहुत ही ज़्यादा दोस्तों स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे एक्सरसाइज की, वो है सिटअप्स। सिटअप्स बहुत ज़रूरी है, ये जो बेली फैट आपका है ये दोस्तों इससे बहुत कम हो जाएगा, और मैं आपको बता रहा हूँ सिटअप्स बहुत बेनिफिशियल है भाई। नंबर 5 जो है माउंटेन क्लाइंब। माउंटेन क्लाइंब एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, स्पेशली जिन लोगों को वेट लूज़ करना है उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये। ये जो 5 एक्सरसाइज मैंने बताए हैं, इनमें से अगर आपको कुछ एक्सरसाइज नहीं करने बन रहा है तो आप मत कीजिए, आप उसके जगह दूसरा एक्सरसाइज देखिए। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे, अगर नहीं मिल रहे हैं तो मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में भाई, आप जाइए और देखिए, काफ़ी सारे एक्सरसाइज हैं दोस्तों आप कर सकते हैं। बट ये चीज़ याद रखिए कि आपको लॉयल होना है, ऑनेस्टी के साथ एक्सरसाइज करना है, धीरे धीरे आपको बढ़ाते जाना है। सपोज़ आपने इनके जो है सबके 30-30 लगा लिए, ये 30-30 करके एक एक बार लगा लिया, वो भी इनफ है, लेकिन आप 30 भी नहीं कर पा रहे, 10-15 भी कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन आप इसे टाइम के साथ बढ़ाते जाइए भाई, अपने लिमिट को पुश करते जाइए। नंबर 4 जो है दोस्तों वो है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कुछ लोग जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं भाई। ब्रेकफास्ट कैसे करेंगे, लॉकडाउन में ऑलरेडी लेट में उठ रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट जो है आपका 9 बजे के पहले भाई हो जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट आप घर वालों को बोलिए कि मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, और ब्रेकफास्ट में क्या रखिए दोस्तों, आप ब्रेकफास्ट में आप कुछ हेल्दी रखिए, ना कि तेल मसाला। बहुत लोग क्या करते हैं भाई, सुबह समोसा खा लेते हैं, सुबह वो छोले भटूरे वगैरह खा लिए, वो सब चीज़ बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। यू नो दैट हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आप जो इतना सारा एक्सरसाइज और इतना सब कुछ कर रहे हो अपने बॉडी के लिए, आपने जो किया, यानी कि मैंने जो आपको कुछ चीज़ें बताई पहले जो करने के लिए आपको बोला इन दी लॉकडाउन पीरियड, अगर वो सभी चीज़ें कर रहे हैं तो ये छोले भटूरे समोसे जो हैं आपके पूरे मेहनत पे पानी फेर देंगे। तो प्लीज़ आप उन्हें अवॉइड कीजिए, आप कुछ हेल्दी खाइए यार। हेल्दी का क्या, रोटी सब्जी खाइए, आप पोहा खाइए, उपमा खाइए, ये सारी बहुत ही इंडियन में आपको इंडियन क्विजीन में बहुत ही सारे हेल्दी डिशेज देखने को मिलेंगे, आप उनको खाइए। अब दोस्तों क्या होगा, आपने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया, अब आप क्या करोगे भाई, सो जाओगे क्या, लेट जाओगे क्या, वो चीज़ बिल्कुल अवॉइड करें। आपको थोड़ा बॉडी मूवमेंट करते रहना है, आप हल्का हल्का सा हाथ चलाते रहिए, पैर चलाते रहिए, इधर उधर घर के अंदर ही घूमते रहिए, क्योंकि भाई बॉडी मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों 5वां चीज़ जो करना है वो है कि भाई अब खाना जो खाया है आपने, सुबह जो नाश्ता किया है, उसके 1.5 आवर्स या फिर 1 आवर्स के बाद
अकॉर्डिंग टू योर डाइजेशन आप जो है इसे सेट कीजिए कि आपका खाना कितना जल्दी पचता है, उसके हिसाब से आप दोस्तों आप पानी पीजिए भाई। पानी कितना पीना है दोस्तों आपको, 3 से 4 ग्लास पानी पीजिए। पानी जो है यहाँ पे आप गुनगुना पानी भी ले सकते हैं, नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 3 से 4 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि लोग पानी नहीं पीते हैं, उससे क्या होता है दोस्तों वेट बढ़ता है ऑलरेडी, आपको पता है। पानी पीने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक फील होगा। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इस लॉकडाउन पीरियड और गर्मी के टाइम में। अब दोस्तों ये जो चीज़ है यानी कि जो पानी वाला चीज़ है कॉन्सेप्ट जो है इसको फिर से आपको रिपीट करना है। कैसे रिपीट करना है, ये जो आपका दोस्तों आपका लंच होने वाला है ना, लंच यानी कि 12-1 बजे जो आप लंच करने वाले हो, उसके बाद आपको फिर ये वाटर वाला जो है वो काम करना है, यानी कि आपको 3 से 4 ग्लास पानी पीना है। सेम आपको डिनर में भी करना है, और आप ये याद रखें कि हर मील के बाद आपको इसी तरीके से पानी पीना है। अब हम मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा शाम के 4 से 5 बजे के बीच। तो अब हमारा जो छठवा चीज़ है वो आपको ये करना है कि दोस्तों आपको म्यूज़िक चालू करना है और डांस करना है। हाँ दोस्तों थोड़ा कार्डियो कीजिए। अब देखो फिर से अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कार्डियो करो। अब देखो आप दौड़ने वौड़ने तो जा नहीं सकते, तो आप एक काम करो दोस्तों कि आप म्यूज़िक चलाओ और डांस करो भाई, डांस करो। मैं तो यही करता हूँ दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं शाम को डांस करता हूँ, सुबह एक्सरसाइज करता हूँ। डांस करने से क्या होता है दोस्तों, पूरा बॉडी जो है आपको फ्री हो जाता है, एंड आपको एक बता दूँ बॉडी में एक लचक सी आ जाती है, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों ये, डांस आप ज़रूर कीजिए दोस्तों, ये आपके लिए कार्डियो का काम करेगा, तो ये डांस आप ज़रूर करें। अब दोस्तों आपको मेन चीज़ जो करना है वो बहुत लोग गलती कर देते हैं, यानी कि सातवां सबसे बड़ा चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि दोस्तों वो लोग डिनर करते हैं 10 बजे 9 बजे, ये चीज़ आपको बिल्कुल अवॉइड करना है भाई। हमको डिनर करना है भाई 7 बजे से पहले। दोस्तों आपको शायद नहीं पता, 7 बजे से पहले बाद अगर डिनर करते हो तो वो खाना खाना नहीं जहर बन जाता है, तो 7 बजे के पहले आपको डिनर करना है। आप कोशिश करें 7 बजे के पहले डिनर करें। रात को आप क्या कर सकते हैं, रात को आप भाई 1 ग्लास ऑफ मिल्क ले सकते हैं सोने से पहले, यानी कि 9 बजे के पहले, 9-10 बजे के पहले। अगर आप इतना सारा एक्सरसाइज करोगे ना और ये सारे रूटीन को फॉलो करोगे तो भाई आपको डेफिनेटली रात को नींद आएगी। और वो फ़ोन जो है उसको आप ना सोने के 1 घंटे पहले छोड़ दो। फ़ोन को अगर आप छोड़ के सो जाते हो तो आपको बहुत ही मस्त नींद आने वाली, क्वालिटी स्लीप आएगी भाई। तो 9 बजे जो है वो टर्मरिक मिल्क या मिल्क ले सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, फ़ायदा करता है दोस्तों, आप 9 बजे तक सो जाइए। दोस्तों यही था रूटीन जो आपको हेल्प करेगा इन सर्वाइव इन लॉकडाउन पीरियड, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे तो रूटीन काफ़ी ज़्यादा घटिया हो गया है, ट्रेन के जैसा हालत हो गया ना भाई, उठ रहे हैं खा रहे हैं सो रहे हैं वापस से, तो वही चीज़ चल रहा है। तो ये जो मैंने आपको बता दिया रूटीन, बहुत ही ज़बरदस्त रूटीन है, आप इस वीडियो को शेयर करें आगे तक ले जाएं, क्योंकि डेफिनेटली दोस्तों ये बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि सब घर से ही काम कर रहे हैं या फिर घर में बैठे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स और वर्क फ्रॉम होम वाले, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। और हम इसी तरीके के वीडियोज़ लाने वाले हैं, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए फ्यूचर में लेके आने वाले हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। I'm everybody's type, but the body can deny. 'Cause you know I get it, get it. Nah, 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 nah,